हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो लेट अस स्टार्ट करंट अफेयर्स डेली ऑफ इलेवंथ ऑफ जनवरी 2024 सो द फर्स्ट न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर पेपर इज़ अबाउट द मालदीव इन चाइना साइनिंग द पैक्ट ओके सो वी ऑलरेडी नो व्हाट हैपन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स उसके बाद क्या हुआ जो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बीजिंग गए और वहाँ के जो हैड हैं जी जिंगपिंग उनसे मिले और उन्होंने ट्वेंटी पैक्ट साइन किए ठीक है अभी देखिए लिखा है द एग्रीमेंट साइंड इंक्लूडेड टूरिज्म कोऑपरेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ब्लू इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकॉनमी तो अब चाइना को तो मौका मिल गया है ना चाइना क्या चाहता है चाइना वांट्स कि वो इंडियन ओशन के साइड अपने बेसिस बना सके अच्छे से तो इधर लक्षद्वीप है और इधर मॉल है तो इट इज़ ईजी कि वो यहाँ पर बेसिस बनाए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था दैट इज वाई चाइना एक्सेप्टेड ट्वेंटी पैक्स एंड सी चाइना विज ऑल्सो प्रोवाइड ग्रांड असिस्टेंस टू मालदीव बट द अमाउंट इज नॉट डिक्लेयर्ड इतना पैसा देगा लेकिन कितना देगा ये उसने डिक्लेयर भी नहीं किया ठीक एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड जॉइंटली एक्सलेरेटिंग द फॉर्मलेन ऑफ कॉपरेशन प्लानिंग ऑन बेल्ट रोड इनिशिएटिव सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड फूशी धीगारू फलहू फिशरीज़ प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज एंड रीडेवलपमेंट ऑफ माले एंड विली माले रोड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जैसे श्रीलंका को डेप्थ के ट्रैप में फंसाया था डेप ट्रैप किसने चाइना ने है ना श्रीलंका की कोनामी के साथ क्या हुआ था चाइना ही रिस्पॉन्सिबल था कहीं ना कहीं वही होने वाला है मॉल के साथ ठीक है ये हमें ध्यान में रखना है सो मीजूज विजिट टू चाइना इज मार्ड बाय द डिप्लोमेटिक रूप विद इंडिया ओवर डेरोगेटरी रिमार्क्स बाय हिज मिनिस्टर्स अगेंस्ट पीएम तो क्या? अब देखिए अब मॉलिवस भी मजबूर हैं बिकॉज वॉट हैपन विद इंडिया इंडियाज टूरिज्म इज गोइंग टू रिड्यूस इन मॉलदीव्स वेरी टाइम्स उन् एनी टाइम्स उन्न सो देट इज़ वाई एवरी कंट्री वॉन्ट्स अ बैकअप नाउ मॉलिव इज टेकिंग बैकअ फ्राम चाइना लेकिन यही इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी लेट्स वॉट हैपन्स इन द फ्यूचर बट बट वी हैव सीन दिस वन मोर टॉपिक अबाउट द बलू इकोनमी इन दिस न्यूज सो वॉट इज़ ब्लू इकोनॉमी एन इकोनॉमी सिस्टम और द सेक्टर दैट सीक्स टू कंजर्व मरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स तो ऐसी इकोनॉमी सिस्टम जो कि क्या कंजर्व करता है ऐसा सेक्टर है जो कि कंजर्व करेगा मरीन और फ्रेश वाटर एनवायरमेंट को वाइल यूजिंग इन दी सस्टेनेबल वे टू डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्ट रिसोर्सेज सच एज एनर्जी एंड फूड क्लियर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज नंबर टू या मीन्स लॉन्च लार्जेस्ट रेड सी स्ट्राइक यू एन एस सी वोट ऑन इशू ओके सो वॉट हैपेंड यू कैन सी इन द न्यू दिस मैप दिस इज यामेन ठीक है अब यहाँ पर जो ये रेड सी से पूरा ये एरिया है ये है ट्रेड रूट ठीक अब इस ट्रेड रूट पर क्योंकि ऊपर जाके हमें क्या मिलता है यहाँ पर इजरेल ठीक है और कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रेड होती है तो इजराइल तक जाती है वॉट इज हैपनिंग नाउ या इज संग दैट वी आर अटैकिंग द शिप्स दे अटैक द शिप ऑफ यू एस इन ब्रिटेन है ना और क्या हुआ दे आर सींग वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी वॉन्ट गाज़ा टू बी फ्री एंड वी आर एंटी इजराइल। बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर इन लोगों का कोई भी कनेक्शन इसराइल से एंटी इजराइल नहीं दिख रहा है ठीक है अच्छा ये सीरिया है सॉरी इजरेल इज ओवर हेयर दिस ठीक है सो वॉट आर दे डूइंग दे आर अटैकिंग शिप्स ओवर हेयर अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था इंडिया ऑल्सो फिफ्टीन इंडियंस वर कॉट इन दैट अभी उन्होंने फिर से मिसाइल अटैक किया बट होपफुली कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है ठीक है नाउ दिस केम इन टू द न्यू सो द मैप बिकम्स इम्पॉर्टेंट लेट इस लोकेट ऑल द कंट्रीज ओवर हेयर सो रेड सी की आसपास कौन सी कंट्रीज है सऊदी अरेबिया सुडान इजिप्ट ओके देन वी हैव दिस सोमालिया नियर गोल्फ ऑफ एडन देन वी हैव हेयर दिस स्ट्रेट ऑफ मुन्नार राइट And this is Arabian Sea. Here it is Saudi Arabia. This is Yemen. This is Oman. You have to remember these things. Okay. Now, moving on to the next news. It is about the Ecuador reels from violence staff in five jails held hostage by the inmates. TV stations hijacked. So what happened in Ecuador? Ecuador may violence hua. staff ke upar aur, ke jo ek Indian, or Indian sorry. वहाँ पर जो उनका एक टी वी न्यूज़ चैनल था उस पर जाके कुछ लोगों ने हाईजैकिंग कर ली ठीक है और का दो, एक दो लोग इंजर्ड भी हो गए ठीक तो हुआ क्यों वहाँ का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भाग गया जेल से एंड आफ्टर दैट दे डिड दिस थिंग नाउ इमरजेंसी भी लग गई है वहाँ पे but what becomes important is the location now ecuador is located in the south america ठीक साउथ अमेरिका में इक्वाडोर लोकेटेड है तो अब देखिए साउथ अमेरिका में ये है इक्वाडोर आफ्टर दैट लेट इस सी ऑल ऑल द कंट्रीज दिस इज वेनेजुला कोलंबिया पेरू चिली अर्जेंटीना उरुग्वे पैराग्वे बोलीविया ब्राज़ील एंड दीज आर दर्स ठीक है अभी देखिए यहां पर आप देख सकते हैं दिस एरिया इज कनेक्टिंग वॉट नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका राइट सो दिस इज नोन एज स्थमस स्थमस ऑफ पनामा ठीक है सो द स्ट्रेट और द लाइन दैट कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका इज स्थमस ऑफ पनामा ओके ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इट इज़ अबाउट द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का जो थीम है दैट इज़ गेट वे टू द फ्यूचर येसटडे आईव ऑलरेडी टोल्ड यू ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस एडवर्टीजमेंट्स और एड्स बिकम्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और आजकल बिकॉज इलेक्शन होने वाले हैं तो फिर बहुत सारे न्यूज हमें स्टेट्स के भी मिलते हैं और हमें सेंटर के भी मिलते हैं ठीक है तो स्टेट का देखिए उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा एड निकला है जिसमें उन्होंने ग्रोथ बताई है कैसे हो रही है उत्तर प्रदेश में और क्या क्या हम लोग कर रहे हैं सो दिस ही इज़ आदित्य योगीनाथ वी ऑलरेडी नो हैम ओके सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट था जिसमें से मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर निकाल लिए हैं सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सोलर स्ट्रीट प्रोजेक्ट इज बींग इंप्लीमेंटेड इन अयोध्या ऑन ऑन द स्ट्रेच ऑफ टेन पॉइंट टू किलोमीटर्स फ्रॉम गुप्तार घाट टू लक्ष्मण घाट ठीक है आपको ये याद रखना है आफ्टर दैट इंडिया फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम बींग डेवलप्ड इन वाराणसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अंडर इन हंड्रेड एकर्स इंटरनेशनल फिल्म सिटी कहाँ बन रही है नोएडा में सिक्स नॉट्स इन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है तो सिक्स नॉट्स कहाँ हैं अलीगढ़ आगरा लखनऊ कानपुर चित्रकूट एंड झांसी एंड द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है ग्रेटर डेटा सेंटर कहाँ हाइपर स्केल डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा उसके बाद यूपी टॉप्स लिस्ट ऑफ कंट्रीज लीडिंग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग तो कंट्री uh, तो की जो टॉप लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उसमें कौन सा स्टेट आता है टॉप पे उत्तर प्रदेश नाउ ग्रैंड सक्सेस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम तो अगर कोई ये पूछे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कहाँ की है तो ये उत्तर प्रदेश की है और ये क्या करती है ये एक्चुअली जो भी डिस्ट्रिक्ट में हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसके जो प्रोडक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लिव इन लखनऊ तो लखनऊ के चिकन कारी जो कि एक क्या है एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका ऑफ उससे क्या होगा एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इनकम इंक्रीज होगी ठीक है ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न क्रूज सर्विस ऑपरेशन इन द गंगा रिवर फ्रॉम वाराणसी टू हल्दिया आफ्टर दैट इंडिया फर्स्ट फ्री विलेज डेवलप्ड ऑन हंड्रेड एकर्स इन वाराणसी आफ्टर दैट इट इज़ इनलैंड वाटर अथॉरिटी टू ऑपरेट क्रूज सर्विस लाइक राप्ती सरयू गंगा एंड यमुना देन कंट्रीज़ फर्स्ट रैपिड रेल सर्विस ऑपरेशन कनेक्ट्स मेरठ टू दिल्ली ठीक है कंट्री की पहली रैपिड रेल सर्विस कहाँ से कहाँ के बीच में स्टार्ट हुई मेरठ से दिल्ली, देन लखनऊ टू बिकम कंट्रीज़ फर्स्ट ए आई सिटी ठीक ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी पहली सिटी ऐसी बनेगी कौन सी बनेगी लखनऊ एज योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड एट रोसिस टू क्रिएट एन ए आई सिटी इन फोर्टी एकर्स एरिया इन नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया लखनऊ ठीक है जो नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया है लखनऊ का वहाँ पर ए आई का डेवलपमेंट होगा कितने एकर्स में फोर्टी एकर्स में कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इट इज द उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एमएसएमई बेस इन द कंट्री इन द कंट्री द एम एस एम ई सेक्टर हैज़ बीन मेनली द स्टे ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट इन द स्टेट इट इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन टू करोर पीपल ठीक है तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एम एस एम ई है बेस की कंट्री में ठीक है तो ये सब चीज़ें आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा क्योंकि अगर आप जो है स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की तैयारी स्टेट पीएससी मतलब स्टेट पीसीएस की तो क्या होता है आपको ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अगर आपको कभी डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में आगे लिखने के लिए एज एन एस पे तो आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठा सकते हैं ठीक है ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इट इज़ अबाउट दार्जिलिंग जू सो वॉट हैपन ओवर दे एयर दिस जू हेज़ बिकम दर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्ड्स जू विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स हो गए हैं अब um, क्यों क्योंकि यहाँ पर एक ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था एंड दिस जू इज़ नोन एज पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ुलॉजिकल पार्क और यहाँ पर कौन से लेपर्ड्स स्नो लेपर्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स आर इन दिस दार्जिलिंग जू विच इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ुलॉजिकल पार्क ओके ना दिस वाजा वॉज ऑल्सो इन द न्यूज़ इन द सेम न्यूज़ वॉट इज इट इट इज़ वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्वेरियम्स एंड इट इज़ अ ग्लोबल अलायंस ऑफ रीजनल एसोसिएशन नेशनल फेडरेशन जू एंड एक्वेरियम और इसी ने अनाउंस किया है दैट दिस दार्जिलिंग जू हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड ठीक पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर ओके ना कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इट इज़ अबाउट हाउ रिपब्लिक डे टैबलेट्स आर सेलेक्टेड सो क्या होता है दो स्टेज में होता है स्टेज वन एंड स्टेज टू ठीक तो स्टेज वन में क्या होता है सबसे पहले जितने भी हमारे टैबलेट्स होते हैं वो आते हैं और उसके बाद फिर उनमें सेलेक्ट होते हैं कुछ और कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं ठीक है आफ्टर दैट सेलेक्ट और रिजेक्ट होने के बाद जो रिजेक्टेड वाले होते हैं वो रीप्रपोज होते हैं रिप्रपोज होते हैं और उसमें अगर कुछ रिजेक्ट वाले में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को किया जाता है और अगर कोई रिजेक्ट होते तो उसमें भी अपने आप से लोग चेंजेस करके और उसके बाद फिर आते हैं उसके बाद इसका फ़ाइनल सिलेक्शन होता है और इसमें एटलीस्ट सिक्स टू तो सेवन मीटिंग्स लग जाती हैं ठीक है चीके? अब ये टेबलेक्स किस लिए कौन करता है सेलेक्ट दिस इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ठीक है तो रिपब्लिक डे परेड का जितना भी काम होता है वो कौन कौन कंडक्ट कराता है करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ठीक है आइए अब बेसिस ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं तो सबसे पहले क्या है द सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स इंक्लूडिंग विजुअल अपील इम्पैक्ट ऑन मासिस आइडियल बिहाइंड द टेबुलेक्स डिग्री ऑफ डिटेलिंग इन्वॉल्व एंड म्यूजिक अ द टेबुलेक्स तो कितनी चीज़ें हो गई सबसे पहले आपका विजुअल अपील हो गया उसका इम्पैक्ट क्या है मास के ऊपर आइडिया क्या है उस टेबुलेक्स का उस उसके अंदर कितनी अच्छे से डिटेलिंग की गई है और क्या म्यूज़िक को अकम्पनी कर रहा है टेबुलेक्स ठीक है उसका लोकल आर्ट भी जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई टेबलेक्स है तो महाराष्ट्र के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनका कितना हाथ है मतलब उसमें जो लोकेलिटी दिखाई गई है वो कितनी डिग्री है ठीक ये सब चीज़ें देखी जाती हैं एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑल्सो डिसाइड्स द बोर्ड थीम तो ऐसा नहीं है कि हमें जो मन किया हमने वही बना लिया टेबलेक्स पे हम क्या करते हैं क्या देते हैं थीम्स देते हैं विच प्रपोजल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अधर टू और इसी हिसाब से उसके टेबुल्स अगर जैसे मान लीजिए आपने बहुत सुंदर टेबुलेक्स बनाया ठीक है आपके स्टेट ने लेकिन उस टेबुलेक्स पे आपने वो थीम नहीं दिखाई जो कि आपको दी गई थी देन दिस विल नॉट बी अप्रूव सिंपल इज दैट सो दिस ईयरस थीम आर विकसित भारत मीन्स दैट मीन्स डेवलप्ड इंडिया एंड भारत लोकतंत्र की मतृिका दैट मीन्स इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी सोर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टोल्ड न्यूज़ एजेंसी पी टी आई दैट पंजाब एट वेस्ट बेंगल्स आइडियाज वर रिजेक्टेज सिंस द डिड नॉट मीट दिस ईयरस बोर्ड थीम तो अभी हमें ये पता चल चुका है पंजाब और वेस्ट बंगाल के जो आइडियाज़ हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं बिकॉज जो बोर्ड ने थीम्स दी थी उस हिसाब से वो सही नहीं थे दैन एम ओडी ऑल्सो शेयर्स बेसिक गाइडलाइंस अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स दैट टेबुल शुड इनकलकेट टू एड वेट टू देर प्रोजेक्ट ठीक है तो क्या होता है ये लोग जो है गाइडलाइंस भी देते हैं कि आप अपने जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो टेबलेक्स पे उसको कैसे इन्हेंस करना है उसको कैसे ब्यूटिफाई करना है उसको कैसे अपीलिंग दिखाना है उसको कैसे मासेस के साथ जोड़ना है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़ आई होप यू लाइक द वीडियो इन एंड आई वुड से प्लीज डू रीड एडिटोरियल्स डेली बिकॉज एडिटोरियल्स विल गिव यू इनसाइट अबाउट द थिंग्स हैपनिंग और एडिटोरियल्स रीड करने को पहले ही मैंने बताया कैसे सबसे पहले आपको राइटर देखना है कि राइटर कौन है ठीक अगर पॉलिटिकल है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड एडिटोरियल होगा ठीक है पॉलिटिकली इंक्लाइंड और अगर सोशल है तो आप एज़ इट इज़ उसको रीड कर सकते हैं जैसे कोई सोशल वर्कर है और उसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है कहीं तो आप उसको एज इट इज़ रीड कर सकते हैं क्योंकि जो वो पॉलिटिकल होगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा और आपको खुद के सेल्फ एनालाइज़ करके उसको ये देखना है कि क्या इनका जो थीसिस है वो सही है कि नहीं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़ पेपर टूडे आई होप यू हैव लाइक द वीडियो इफ यू आर एंजॉइंग दिज करेंट अफेयर्स डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू वांट एनी चेंजेस आई वेलकम यू टू टेल इट ऑन द कमेंट सेक्शन ओनली थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे